जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी 15 सितंबर को बहराइच पहुंचे और भेड़िये के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने भेड़िये हमले के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनको फल वस्त्र आदि भेंट किया। सीएम योगी ने बताया कि अगर भेड़िया जनहानि करते दिखे तो अंतिम विकल्प के रूप में गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जनपद बहराइच में कई गांवों में भेड़िये का आतंक जारी है। अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को भेड़िये ने अपना शिकार बना चुका है। पहली सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था, इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िये अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक किले हमारी यहां पर 165 की टीम वन विभाग की यहां पर है जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िये को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है।